ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද කථා ගාථා නම්බර් 89 179 කුක්කුට් ජෝ ලෝග නොන්වෙජ් ખાતે હૈ वो कुक्कुट बहुत खाते हैं क्योंकि कुक्कुट जल्दी बढ़ जाता है। कुक्कुट मतलब मुर्गा, मुर्गा को कुक्कुट बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? ये बोलते हैं चिनाब नदी के पीछे जो एरिया पहाड़ों का पड़ता है, हिमाचल जो प्रदेश से आगे या हिमालय पर्वत के पीछे जहाँ चिनाब आज की रिवर बहती है, उसके पीछे का एरिया कुक्कुट एरिया, यानी वहां मुर्गे बहुत पलते होंगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया जगह का, स्थान का जहां लोग रहते थे, कुक्कुटवती या कुक्कुटावती। वहां का जो मुखिया था, जो कुक्कुटावती का मुखिया था, उसका नाम था महाकप्पिन। कप्प माने होता है योग्य, जो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, और महा माने बड़ा, यानी महाकप्पिन। महाकप्पिन जो था वो सफेद वर्ण का था, यानी कि सफेद रंग का था। उसको वर्ण को वहां पर ओदात या पांडु बोलते थे। ओदात, ओदात का मतलब होता है सफेद सेत, और पांडु जो वर्ण है वो होता है पीला, यानी कि सफेद पीले वर्ण का, चपटी नाक का, जो उभरी हुई नाक, उभरी हुई नाक का मतलब लंबी और तीखी नाक का व्यक्ति था। पहाड़ों पर लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी नाक थोड़ी लंबी होती है, उभरी हुई होती है। तो जो कुक्कुटावती का जो मुखिया था, प्रधान था महाकप्पिन, उसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी श्यालकोट की सुंदरी से, जो बहुत सुंदर कन्या थी और नारंगी जैसा उसका रंग था। नारंगी रंग को बोलते हैं अनोजा, पाली के अंदर अनोजा, उसका नाम भी अनोजा ही था, यानी ऑरेंज कलर को अनोजा बोलते हैं, अनोजा, और अनोजा वर्ण की थी, तो नाम भी अनोजा पड़ गया। दोनों का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। तो श्यालकोट से वो आई, और जो महाकप्पिन था, जो कुक्कुटावती का पूरा मुखिया था, वहां से और सावित्री से व्यापार चलता था, यानी सावित्री कहां बिहार में, और कुक्कुटावती कहां पहाड़ों के पीछे चिनाब में। आज के समय अगर आप देखेंगे तो भारत में भी जगह नहीं पड़ती, वो पाकिस्तान में पड़ती है श्यालकोट। तो वहां से जब सावित्री से एक व्यापारी को दल गया, तो उन्होंने वहां, चूंकि नियम है कि अगर कोई भी व्यापारी कहीं जाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने माल बेचने के लिए राजा को या मुखिया को या प्रधान को मिलना होता है, उसे गिफ्ट देनी होती है, उसे टैक्स बोलते हैं, कर बोलते हैं, जो वो देते हैं उसे बड़े फायदे होते हैं, क्योंकि माल वहां से लेके भी आना है, तो राजा से, मुखिया से, प्रधान से संबंध रहता है तो सुरक्षा मिलती है और सामान भी बढ़िया मिलता है। व्यापारियों को नियम है, आज भी चलता है, व्यापारी आते जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री के लिए या देश के राजा के लिए या देश का जो भी शासक होता है उससे मिलने, तो मिलते समय कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, कोई ना कोई काम उसका करते हैं, व्यापार संबंध चलते रहते हैं। तो उन्होंने गिफ्ट लेने के बाद उनका अवगत की, उनसे पूछा कि आपके सावित्री में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अभी बताते हैं। उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक हम अपने हाथ मुंह धो के फ्रेश नहीं हो जाते ढंग से बता नहीं पाएंगे। तो उनको वहां पानी वगैरह उपलब्ध कराया गया, जलपान उपलब्ध कराया गया। जलपान करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, उन्होंने बड़े ही आनंद और हल्लोल्लास के साथ में बताया कि हमारे यहाँ बुद्ध का उदय हुआ है, बुद्ध आए हैं। तो उसने जिज्ञासा से पूछा कि बुद्ध क्या होते हैं, बुद्ध का उदय से क्या फायदा है। तो उन्होंने बुद्ध के धम्म के बारे में और बुद्ध के उदय के बारे में सारी बात बताई। वो बातें बिल्कुल नई थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया थी, मनुष्य के कल्याण के लिए थी, और राजा बड़ा समझदार था। उसने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, मैं धम्म को देखना चाहता हूँ, धम्म को सीखना चाहता हूँ, और ऐसा प्रण करके वो सावित्री पहुंच गया, और वहां जाके उसने धम्म को ग्रहण किया, धम्म को सीखा। धम्म को सीखने के बाद जब वो वापिस आया कुक्कुटावती, तो उसने पूरे राज्य में वो धम्म लागू कर दिया। धम्म से इतना प्रभावित उसकी जो रानी थी, जो अजोना थी, अनोजा, वो अनोजा भी धम्म में पारित होने के लिए चल पड़ी, और उसको भगवान बुद्ध ने उपलवर्णा से पवज्जित करवाया और वो भिक्कुणी बनी। अब राजा यानी कि जो मुखिया और मुखिया की पत्नी दोनों जो कुक्कुटावती के थे, वो दोनों ही पवज्जित हो गए, तो पूरी प्रजा भी पवज्जित हो गई। फिर उन्होंने वहां से छोड़ने के बाद में वो लगातार अपनी प्रगति के लिए, साधना में प्रगति के लिए वहीं रहने लगे, भगवान बुद्ध के सावक संघ में, संघ में। तो जो महाकप्पन था उसका नाम महा से हटा के कप्पिन हो गया, और कप्पिन जब ध्यान साधना में बैठता था तो वो अरहत हो गया। अरहत होने के बाद जब वो ध्यान साधना में बैठता था तो उसके मुंह से उद्गार निकलते थे परम सुखं, परम सुखं,
बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा सुख, ऐसा वो उद्गार बुदबुदाते थे। उद्गार उनको बोलते हैं जो मुंह से खुद निकलते हैं। तो जो बाकी सामने थे कच्चे और जो भिक्कू थे जो अभी अर्हत नहीं हुए, वो ये समझते थे कि ये जो कपिन है अपने पुरानी व्यवस्था को देख के, अपने पुराने राजकाज को देख के, अपनी प्रधानता को देख के, जो कबीले का मुखिया था, गांव का मुखिया था, शहर का मुखिया था, राज्य का मुखिया था, उसके आनंद को याद कर करके परम सुखम बोलता है। ऐसी शिकायत उन्होंने भगवान बुद्ध से कही कि ये राजा अभी अपने पुराने सुख को भूला नहीं है, इसको याद आता है। तो भगवान बुद्ध के संज्ञान में बात जब आने के बाद में भगवान बुद्ध ने कपिन को बुलाया और पूछा कि भिक्कू क्या ये बात सही है कि आप परम सुखम बोलते हैं। तो कपिन ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं परम सुखम बोलता हूँ, क्योंकि जो निब्बान है वो परम सुख है और मैं निब्बान को जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। तब भगवान बुद्ध ने भिक्कू से कहा कि परम सुख और आनंद जो विपश्यना साधना में अर्हत को होता ही है और वो मुंह से निकल भी सकता है क्योंकि वो इतना ही आलिशान और इतना ही बढ़िया है। तब ये गाथा भगवान बुद्ध ने कही। धम्म पीति सुखं सेति विपस्सनेन चेतसा अरियप वेदते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म पीति सुखंग सेति विपस्सनेन चेतसा। धम्म पीति सुखंग सेति का मतलब है जो धम्म को पीता है, यानी धम्म को पीता है, धम्म का अपने अंदर ले लेता है। सुखंग सेति माने सुख को, सुखंग माने सुख को, और सेति माने सोता है। विपस्सनेन, विपस्सनेन का मतलब है प्रसन्नता से। चेतसा माने चित्त, यानी कि जो धम्म को सीखता है, धम्म को पीता है, धम्म का अनुभव करता है, धम्म का सेवन करता है, वो प्रसन्न चित्त से सुख को सोता है, सुख में रमता है, सुख को भोगता है। अरियप वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। अरियप वेदिते का मतलब है, अरिय माने होता है सबसे अच्छा, अरियप वेदिते यानी कि जो सबसे अच्छे बताए हुए हैं, यानी जो श्रेष्ठ लोग बताते हैं। वेदित माने वादा, माने वेदित माने बताना, यानी वाद वेदित और वादा एक ही शब्द है। वाद जहां लग जाए उसका मतलब बताने को होता है। तो जो सबसे अच्छे जानकार हैं उनके द्वारा बताया हुआ है, उन्होंने बताया है। धम्मे सदा, जो धम्म को सदा माने हमेशा रमते हैं, यानी कि उनके बताए हुए सबसे अच्छे लोगों के द्वारा बताए हुए धम्म में हमेशा रमते हैं कौन? पंडितों। पंडितों मतलब जो ज्ञानवान हैं, जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, जो चीजों को जानते हैं, वो लोग जो अच्छे लोगों के द्वारा बताया हुआ धम्म है उसमें हमेशा ही रमते हैं। ऐसा भगवान बुद्ध ने गाथा नंबर 79 कही। क्योंकि यहाँ एक बात आती है कि आखिर सुख क्या है, क्योंकि वो परम सुखं बोलता है जब कपिन, तो सुख है क्या? क्योंकि अगर वो सुख का भोग कर रहा है तो इसका मतलब राग ले रहा है, और अगर वो राग ले रहा है तो फिर तो वो अर्थ है नहीं। तो इसको समझें कि सुख है क्या, क्योंकि निब्बान में अगर आप सुख को ऐसा ही सुख समझ लेंगे जैसे कार में बैठने पर सुख मिला, या अच्छा खाना खाने में सुख मिला, या बहुत पैसा आने में सुख मिला, या आपको कहीं कोई बढ़िया पोजीशन मिली, किसी ने आपको नंबरदार, प्रधान जी या प्रेसिडेंट कह दिया उसमें आपने सुख देखा, या नेता जी या बाऊजी कह दिया उसमें आपने सुख देखा, ये वो सुख नहीं है। बेसिकली अर्हत होने के बाद में जो व्यक्ति होता है, या भिक्कुणी या भिक्कुणी या मनुष्य होता है, उसके पास में ना तो दुख होता है ना सुख होता है, यानी ना राग होता है ना द्वेष होता है, मगर परम सुख फिर भी है। परम सुख का मतलब है वो स्थिति है कि अब उसके पास में राग नहीं है, यानी कि उसके पास में तृष्णा नहीं है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है कि ये मुझे चाहिए 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 चाहिए, या ये मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहने का द्वेष हो, यानी इस बात के लिए उसे जलन हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे परेशान करती है, वो इन बातों से मुक्त होता है। तो जब वो विपस्सना साधना में बैठता है तो विपस्सना साधना में देखता है कि चित्त एकदम शांत है, शरीर एकदम नॉर्मल है, और कहीं कोई वेदना उसकी ना दुख की है ना उसकी सुख की है। वेदना कैसी होती है? वेदना ऐसी होती है कि जैसे किसी ने आपका, आपसे हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद में उसने आपको हाथ पकड़ाया, हल्का हल्का दबाया, जहां तक आप झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं,
वो हाथ दबा तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि हाथ दबता है तो मसल्स में रिलैक्स मिलता है, मगर अगर वो ज्यादा ताकतवर हो और हाथ को ज्यादा दबाए तो फिर रिलैक्स नहीं मिलता, फिर उसकी तीव्रता ज्यादा हो जाती है, फिर तो पेन मिलता है, फिर तो चिल्लाता है, कहीं ज्यादा अगर हाथ दबा दे तो टूट भी सकता है। यानी हाथ दबाने की लिमिट जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो राग से द्वेष में बदलती जाती है। ऐसे ही राग जितना भी होता है, कोई चीज चाहिए 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 और वो बहुत ज्यादा हो जाए या वो ना मिलनी शुरू हो जाए तो वो द्वेष में बदल जाती है, वो दोनों ही दुख और सुख में आती हैं। मगर यहाँ जो परम सुख है वो इनसे हटके है। परम सुख का मतलब है कि ऐसी शांति जहाँ सब कुछ शांत है, जहाँ ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई वेदना है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा है, शांति ही शांति है, कहीं कुछ नहीं है शांति के सिवाय, उसको परम सुख बोला गया है। जहाँ आदमी पूरी तरह से जो तृष्णा है उससे खत्म हो जाता है, उसके अंदर कोई भी चीज बाकी नहीं बचती, उसको परम सुख बोला गया है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.